वो जो छोटा बच्चा था पपी, उसको मम्मी पापा लोगों ने मुझसे बिना बोझे उठा दिए। वेरी गुड। बाघ का कहर इतना हो गया ना कि मुझे किचन से यहाँ तक आने में भी इतना डर लग रहा है। कहाँ से खाई उनकी गाय? बाहर से ही रोड में लगी हुई। तो है थोड़ा थोड़ा रह गया। बाघ घूम रहा तो जो ठाक ले जाएगा। चलो चलो रूम में चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी जा रही हूँ मैं स्कूल, रेडी शेडी होके। और ये देखो मेरे पीछे पीछे शाइनू आ रही है। हाय, थक गए तो हेड वॉश किया था और मौसम हो गया है फिर से ख़राब, तो बड़ा ठंडा सा लग रहा है मुझे। शाइनू कहाँ जा रहे हो आप? शाइनू कहाँ जा रहे हो? कल पूरी रात हम खौफ में रहे हैं बाघ के, बाहर ही नहीं निकले बिल्कुल भी नहीं। तो अभी कर रही हूँ मैं बस का वेट, थोड़ी देर में आ जाएगी बस। और अरे ये कौन शो रखा है यहाँ पे? ये कौन शो रखा है? ये कौन शो रखा है यहाँ पे? क्यों सोए हो आप गंदे में? गंदे में क्यों सोए हो? हेलो, मैं घर आ गई। ओहो, क्यों छो रही है गंदे में? अरे भाई, अरे भाई, शाइन हेलो तो कर दो। खाना खाया आपने? खाया खाना? अरे सुन तो लो, सुन तो लो, खाया खाना? और कोई जगह नहीं मिली सोने की? खाना कब खा रहा शाइन? ओहो, ये खाना बढ़ावा इसका यहाँ पे मैडम का। खाना आपका खाने कब्बे खा रहे? कब्बे ये ले, कब्बे ने खा लिया सारा खाना, अभी आया था यहाँ पे कौवा खाना खाने। लो खाओ, चलो चलो खाना खा, खाना खा। तो वो कौवा वहाँ पे बैठा है शाइन का खाना खा रहा है, और इससे कोई मतलब नहीं है, है ना? आपको कोई भी मतलब नहीं है। अरे वाह, घर पे कोई है नहीं और यहाँ पे ये छोड़ी है। वेरी गुड। तो कपड़े में बाद में चेंज करूँगी, पहले खाना खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये बनी है आलू मटर की सब्जी, चावल और लस्सी। करते हैं लंच। तो आज स्कूल से आते आते काफ़ी लेट हो गई, 3 बज गया ऑलमोस्ट, और अभी जाके लंच किया है मैंने। तो एक और बात बतानी थी मुझे आपको, वो जो छोटा बच्चा था पपी, उसको मम्मी पापा लोगों ने मुझसे बिना बोझे उठा के मामा के गाँव घर दे दिया है। तो कल रात में मैं खाना वगैरह बना रही थी और मम्मी लोगों को जाना था मामा के घर, तो शाम को इन्होंने उसे उठाया और गाड़ी में ले गए वहाँ पे। बट अब वो बच्चा वहाँ पे खुश है, मतलब वो उसे अच्छे से रखते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार सी जगह है, अच्छी जगह। तो अब ये है कि वो अब वहीं पे रहेगा और वो लोग अच्छे से उसकी टेक केयर करेंगे। कर तो रखना तो मुझे भी था वो, बट शाइन इतना पीट रही है उसे, मतलब शाइन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रही है उसको। तो एक तरीके से ठीक ही है, बट मुझे बुरा भी लग रहा है। बेचारा बड़ा प्यारा सा था, बड़ा बॉन्ड सा बन गया था मेरा उसके साथ। और उसका नाम रखा है हमने हाची, और शायद कल मैं उसको मिलने जाऊंगी। मुझे थोड़ा वैक्सीन वगैरह उसको लगवाना है
अभी रेबीज़ वगैरह ये सारी वैक्सीन्स जो होती हैं वो मैं उसे लगवाऊंगी और कल मैं उसको मिलने जाऊंगी। और जब से वो गया शाइन बहुत रिलैक्स है, मतलब शांत बैठी हुई कि चलो चला गया वो, देखो वहाँ पे बैठी है। अब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। काफ़ी थकान सी महसूस हो रही है क्योंकि आजकल स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो सुबह से लेकर जब तक स्कूल होता है तब तक बस उनका उनके साथ प्रैक्टिस ही करवानी होती है, तो इसलिए आजकल ज़्यादा थकान हो रही है। शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने चाय चढ़ा दी है मम्मी लोगों के लिए, और बाहर अभी हमारे जानवर बंधे हुए हैं, तो अभी हम फटाफट बाहर से जानवर अंदर ले आते हैं। और मम्मी बता रहे थे कि पड़ोस में ना कल शाम के टाइम ही, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले भी वहाँ पे जानवर उठा लिए। आई विच यू मामा, बाघ आ रखा, बाघ आ रखा है बाघ। ये मेरे को पता नहीं क्यों मारती, मेरे को पता नहीं क्यों मारती है ये, मेरे को पता नहीं क्यों मारती है। कहाँ से खाई उनकी गाय, बाहर से ही? रोड में हुई, चूँ में लगी हुई, अंधेरे में आ गए थे, छः इतने बजे। छः बजे थोड़ी अंधेरा होता है। तो ये हमारे पड़ोसी है, उनकी गाय मतलब 6 बजे तो उजाला होता है और बाघ ने उठा लिया। डर लगता है भाई, अब तो शाइनू घर उठा ले बाघ, शाइनू को ना उठा ले, मांगी 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 मांगी। आज के डिनर में बन रही है मेरी फेवरेट डिश अस्के, तो ये विदाउट फिलिंग बन रही है और इसके साथ है गोभी की सब्जी। अस्के मेनली या तो फिलिंग वाले अस्के हो जिसके अंदर कुछ फीलिंग हो, नहीं तो मुझे गोभी की सब्जी और हरी सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो आजकल घर में हम 3 लोग ही रहते हैं, तो हम तीनों कर रहे हैं अपना डिनर, और इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं घी। तो यहाँ पे मम्मी जो मक्खन रखा हुआ था उसको गूंथ रहे हैं अच्छे से ताकि उसमें से जो पानी है वो निकल जाए, और इसके बाद हम लोग इसे मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना सारा पानी निकल गया है इस मक्खन से, तो एक फ़ायदा हो जाता है पहले गूंथने का, तो इसको मतलब टाइम नहीं लगता फिर ज़्यादा घी बनाने में अगर हम पहले ज़्यादा पानी निकाल देते हैं। तो देखो धीरे धीरे मक्खन यहाँ पे मेल्ट हो गया है, इसको बनने में लगता है कम से कम आधा घंटा, तो कुछ देर तो मम्मी चला रही हैं। ये देखो अभी ये थोड़ा वाइटिश कलर का दिख रहा है और येल्लो दिख रहा है। इसके बाद मम्मी ने मुझे दे दिया था कि तू चला ले, क्योंकि एक ही इंसान थोड़ा थक भी जाता है इसको, तो इसे ऐसे लगातार आधे घंटे तक घुमाना होता है और उसके बाद ये में ट्रांसपेरेंट सा दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा रह गया, ये उबाल आ जाएगा उसके बाद ये बनने वाला है। बन ही गया अपन, अब नहीं लगाएंगे इसमें। बन गए, ताजा ताजा टेस्टी टेस्टी घी बन के रेडी हो गया है। तो यही घी होता है जो हम सुबह शाम दिन रात खाते रहते हैं। तो अभी मम्मी मुझे छोड़ने जा रही है मेरे रूम तक, फिर मैं मम्मी को छोड़ूंगी यहाँ तक, सुबह तक लग रही। हाँ सुबह तक। यहाँ किसने जला रखी है, यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे सांप घूम रहा था। ये कहाँ जला रखा है इन लोगों ने, थोड़ा जला है। शाइन को जरा थोड़ा मैं घुमा के ले आऊं, खोलूंगी इतनी वरना ही भाग जाएगी। इधर नहीं जाना है, अबे उधर नहीं जाना है, चल नौटंकी उधर कहाँ जा रही है, सांप था वहां पे, चलो इधर आजा जल्दी ये भाग गई। ओह नो, भाग गई। शाइन आ जाओ, चल अंदर, चल चल फिर अंदर चल, कहीं नहीं जा रहे, अंदर चल। अरे अंदर आ, अब आएगी ये जरूर, आ जा अंदर, चलो आ जा। अबे तू ओए शाइनू आ जा, ये कैसे छूट गई, चल बाघ घूम रहा तो जो उठा ले जाएगा, चलो चलो रूम में चलो चल ले। चले 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 चले, आ गई अंदर, आ गई अंदर।
आ गई, खुद ही आ गई अंदर। आ गई ठीक है। अरे क्यों भागी थी हैं? बाघ उठा के ले जाता फिर, ऐसे नहीं भागते। मैं लेके जा रही थी ना आपको। चलो आओ इधर आओ, खाना खाओ, लो लो जी लो, जाओ जाओ बैठ में बैठो, चलो चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड नाइट बोल दो सबको। सबको गुड नाइट बोल दो, बोलो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। बाघ का कहर इतना हो गया ना कि मुझे किचन से यहाँ तक आने में भी इतना डर लग रहा है। अब क्या करें, थोड़ा सेफ्टी तो लेनी पड़ेगी। और जितने मोरी में जो मेरे आसपास लोग रह रहे हैं, उन लोग वो लोग भी ध्यान रखें, घर पे रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।